ब्लाइंड वे में सामने से आते हुए नजर आ रहे, बिकॉज अब उनको दिख नहीं रहे कौन सा प्लेयर्स कहाँ पे। रोटेशन डाल के देखन गेट दीज फोर किल्स वेरी वेरी इजिली। स्पाइक अभी वो बदला ले सकते हैं, एक और ग्रेनेड गया क्या जरफ वहाँ पे नॉकडाउन हो सकते हैं। बट पीछे से अभी भी ओबे के प्लेयर्स ने दिक्कत दिया, बट इवो ने अच्छा खासा ये वाली फाइट निकाली और साइको ने भी जेरफ को निकाला। सो कंट्रोल में अभी ये वाला एरिया बट अब नहीं रहेगा, बिकॉज ओबे के प्लेयर्स ने सोचा है कि भाई अब हम फाइट लेंगे। शैडो एक ग्रेनेड पुल करते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पे स्मोक है, कंपाउंड के पीछे फेंकेंगे थोड़ा बेहतर रहेगा, बट दैट वाज अ गुड वन। कोई नहीं कोई नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से ही कैन स्टिल गो फॉर अ नॉक हियर। टाइको वहां पे प्रोन डाउन बैठे हुए थे, कोई अपॉर्चुनिटी वहां पे उनको दी नहीं, प्रोक जो उन्होंने स्टार्टिंग में करा था अब गुस्सा आने वाला मेरे ख्याल से। ईवो कैन यू डू वन वर्सेस फोर, ग्रेनेड एक फेंका, प्री नेड फेंका, अगर एक नॉक देखने को मिल जाता तो वाले साइड से थोड़ा बेहतर होता, बट वहां पे निंजा ने एनकोर को नॉक डाउन करा है। FTX की और वहां पे रेवेनेंट की अलग ही फाइट चलती हुई नजर आ रही है। ईवो कैन यू डू वन वर्सेस फोर ज्यादा यहाँ पे। ओके जैडी ने बोला नेक्स्ट मैच में मिलते हैं ब्रदर, चारों प्लेयर जिंदा है। ओबे ने मेरी ख्याल से इस वाली फाइट में सबसे ज्यादा मजे लिया, बट किल मात्र दो ही मिले, बट टीम आईएनडी भी जोन के अंदर एंट्री डालते हुए नजर आएंगे। बट उसके पहले हम लोग देखेंगे रेवेनेंट के प्लेयर्स के साथ क्या होता हुआ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ऑस्टिन बॉडिक जिंदा है, टॉप डॉग जिंदा है और एनकोर को रिवेरा मिल चुका है, बट जोन के सेंटर में सबसे ज्यादा ओबे का स्क्वाड है। जीजी टू देम, बट एनजीजेड के प्लेयर्स भी बहुत बहुत ज्यादा पास में है रेवेनेंट के। यहाँ से भी रेवेनेंट से भी फाइट ले सकते हैं और राइट हैंड साइड पे निंजा से भी फाइट ले सकते हैं, बट वो प्लेयर नॉक डाउन, अभी रिवाइव देना पड़ेगा इन्हें, बिकॉज एक्वा अकेला प्लेयर बचा हुआ है। इस प्लेयर का भी अलग ही रोल है निंजा का, लास्ट वाले मैच हम लोगों ने देखा नौ किल, अभी इतना ज्यादा किल निकले नहीं, बट लेट्स सी। बट यहाँ पे क्लोज एनकाउंटर फाइट हम लोगों को देखने को मिल रही है ओबे के डेडपूल के द्वारा, ये लोग स्लैम कर रहे हैं, पूरी फाइट खत्म कर रहे हैं अपने पास। देखो पुवाली को भी पूरा यहाँ पे फिनिश करा, बट अब दूर से वापस से गोलियां चल रही है लेफ्ट हैंड साइड से। पुशर्स के प्लेयर्स अब थोड़ा सा शोर वाले एरिया से जाएंगे, बट यहाँ पे अब रैपिड का स्पॉट मिलेगा उनको वेलकम करने के लिए जोन के अंदर। 62 का डैमेज यहाँ पे जाजीरा वापस से निकाला है। ओके अब राइट हैंड साइड से गोले पड़ेंगे गाइस, ये जोन बहुत क्रेजी होने वाला, मजा आएगा अभी थोड़ी देर में। बट विज गॉड वो अभी भी स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने M4 4X के द्वारा, बट अभी भी TSM FTX के प्लेयर्स रिवाइव दिया उन्होंने और कोई मस्ती नहीं करी और वो लोग अगले जोन की तरफ निकल चुके हैं। यहां पे मीनवाइल टीम आईएनडी वर्सेस टीम आईएनएस वो तो हम लोगों को नजर आ रहा है। क्रांति ने वहां पे ग्रेनेड फेंका बहुत ही प्यारा, जोकर वहां पे नॉक डाउन हो चुका है। मैडी एंड देन रोस बोथ ऑफ देम आर अलाइव, पहले बच गए थे यहां पे क्रेटोस को बोला कवर करना पड़ेगा, यहां पे पहले स्पीड से ग्रीन डेथ नोट ने 1 एचपी के बाद क्रेटोस को निकाला। पीछे से टीम आईएनडी स्लैग्स भी नॉक डाउन हो चुके हैं, व्हाट वाज दैट डेथ नोट वहां पे बैक टू बैक नॉक निकालते हुए। क्रांति ने वहां पे अच्छी ओपनिंग निकाली थी, क्रेटोस और स्लैग्स दोनों एक ही प्लेयर से नॉक डाउन हुए। That is death note. 1 HP में snacks को भी यहाँ पे finish करा जाएगा, but चारों player अभी भी जिंदा है, but आखिरी player team IND का अभी भी बाहर से zone का थोड़ा सा disadvantage लेके अंदर आने की कोशिश कर, but team of 21 उनको अभी भी पता होना चाहिए कि आखिरी player knock हुआ था team IND का, अभी भी ढूंढना पड़ेगा zone के बाहर। but 1:40 ही मात्र बचे, बट दलजीत को अब यहाँ पे एक फोस्टेड पॉप इन करनी पड़ेगी कुछ भी करके, बिकॉज अभी एक बार स्प्रे ट्रांसफर करा तो उसका उनको फोस्टेड पॉप इन करने का चांस नहीं मिलेगा। यस एग्जैक्टली दैट इज व्हाट ही हैव टू डू राइट नाउ। टीम 21 के प्लेयर्स एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, बाहर की साइड पे एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो है वो उसको ढूंढना चाहिए। बट यहाँ पे दलजीत ने एक शायद से नॉक डाउन नहीं प्रोन डाउन हो चुका है वो प्लेयर, बैंडेजेस मारते हुए नजर आ रहे, जोन का डैमेज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा, बट टीम 21 के प्लेयर्स वो लोग भी नहीं छोड़ने वाले, उनको पता है कि ये प्लेयर कितना ज्यादा दिक्कत देगा। एग्जैक्टली वहाँ पर टीम नंबर फोर दैट इज टीम IND को पूरा खत्म करते हुए ये लोग जोन के अंदर जाएंगे। टीम TSM FTX ये टीम भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है थोड़ी देर में, बिकॉज डुओ हम लोगों ने देखा इस टीम को बहुत ही उमदा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, बट दिस विल बी अ लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ दीज टीम्स जो अभी इसी सीजन से नया खेलना शुरू करिए, एंड मजा आ रहेगा इन लोगों का गेम प्ले देखने में, फ्रेश ब्लड और जिस तरीके की फाइट दिखा रहे हैं अनबिलीवेबल। हाइड्रा का स्क्वाड अभी भी जिंदा है, 4 किल्स इनके नाम, बट अब जोन के बाहर से ये लोग फाइट लेने की कोशिश करेंगे। ऋषभ को ओपनिंग दिलानी पड़ेगी K98 के द्वारा, वो भी बहुत ज्यादा क्लोज चले गए तो उनको बाद में रियलाइज हुआ, बट क्लैमन इज द ओनली थिंग दे कैन डू फ्रॉम हियर, बिकॉज
30 सेकंड के अंदर आपने ओपनिंग नहीं निकाले तो इवेंचुअली आप मर चुके हो, बिकॉज ओबे का स्क्वाड आपको ऐसे छोड़ेगा नहीं। बट आप स्लैमिंग करने के लिए दे दिया है, ऋषभ क्लोज इन कर चुके हैं, बट डैडी को देखते हैं किस तरीके से रिफाइट निकालेंगे। यहाँ पे रेत को स्पॉट करने के लिए लेफ्ट साइड पीक करा, बट सामने से भी फायर, पीछे से भी फायर, डैडी उनको उतरना ही पड़ा एट दी एंड नीचे, बट ऋषभ को ऑर्डर कर चुके हैं। ओबे शैडो का बहुत ही प्यारा वहाँ पे एक ग्रेनेड, बट रेत भी यहाँ पे आ चुके हैं, थ्री नेट यहाँ पे फेंकने की कोशिश, राइट साइड में स्लैम इट, बट कीपर को डाला जाएगा रेत के लिए। डेड पुल, एक और ग्रेनेड पुल करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में, बट यहाँ पे वो खुद भी नॉट आउट हो सकते हैं। बैक टू बैक ग्रेनेड, एक अच्छा पुल जरूर वहाँ पे देखने को मिला आप लोगों को। ओके ओके, रेत वहाँ पे मॉलोटोव के ऊपर और वो सॉलो जा चुके हैं, बट यहाँ पे जेडी ने फाइनली रेत को नॉक डाउन कर दिया। बट यहाँ पे एक अकेला प्लेयर बचा हुआ है यहाँ पे हाइड्रा का, जो कि है आयुष, बट ही हैज गॉट इन द प्लान बॉक्सर फ्री फायर के अलावा और वहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्लोज एनकाउंटर में गए तो जोन का डैमेज ऑलरेडी उनको पड़ ही रहे, बट थोड़ी देर में एक्स्ट्रा वहाँ पे डैमेज पड़ेगा बिकॉज राइट हैंड साइड से भी टीम उनको दिक्कत देगी। यस, वो किल जाएगा यहाँ पे रैम्पेज के खाते में। सो रैम्पेज अच्छा खासा खेलते हुए नजर आ रही है आज के दिन में। आईएनएस के पास अच्छा खासा यहाँ पे ओपनिंग मिल चुका है, वहाँ पे डेडपूल को नॉक डाउन करके दैट M24 फिनिश करेंगे कि नहीं जोकर देखते थोड़ी देर पता चलेगा, बट जोन के अंदर नहीं है। TSM, FTX के प्लेयर्स वो लोग अपना ईस्टर्न साइड बिल्कुल संभाल के बैठे हुए, कोई ज़्यादा हलचल अपनी साइड से कर नहीं रहे, बोल रहे हैं फाइनल सर्कल में देख लेंगे। बट जोकर ये प्लेयर के पास अभी कुछ नहीं है, बट अभी ओपनिंग निकालनी पड़ेगी कुछ भी करके। TSM, FTX के प्लेयर्स को आराम से बैठना चाहिए, फाइट क्यों ही लेनी है, एक जोन के बहुत ज़्यादा करीब हो आप लोग ऑलरेडी। ओके, सिर्फ 30 सेकेंड बचे हुए गाइस अगले जोन को क्लोज इन होने के लिए। रेवेनेंट के एक स्क्वाड, मेरे ख्याल से वो लोग रैम्पेज के लिए एक गेट की पैदा कर सकते हैं इस वाले जोन के अंदर, बट नीचे से आईएसओ का वापस से एक अकेला प्लेयर बचा हुआ है। लास्ट टाइम जेन ओपी था, इस बार सैंडी ओपी है, सो प्लेसमेंट्स के लिए ये लोग जा जरूर, बट किल अभी तक कोई भी नहीं निकाल पाए हैं। सो दैट इज रियल कंसर्न अगर ये लोग को टूर्नामेंट खेल रहे हो तो, पॉइंट्स आपको हमेशा चाहिए। बट जोन के सेंटर में एक शेक है और INS का स्क्वाड वहां जाके अपनी पनाह बनाएगा। बगी को फोड़ के आप एक अच्छा कवर बना सकते हो यहाँ पे, बट एक शेक के अंदर आप जरूर नहीं रह सकते बिकॉज एक ग्रेनेड आएगा एंड यू आर आउटसाइड द लॉबी। बट ये देखो ग्रेनेड आने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, आपकी फाइट यहाँ पे रेडी है, यू हैव टू टेक दिस वन, यू वॉन्ट टू विन दिस। बट यहाँ पे ओपन मेटी नंबर 18 के प्लेयर आते रुकेंगे जरूर और फाइट लेंगे यहाँ पे, दो प्लेयर को नॉक डाउन इंस्टेंट। ओबे का स्क्वाड ऑलरेडी एक अपर हैंड पोजीशन में जा चुका है, स्मोक जरूर डालेंगे और अपने प्लेयर को रिवाइव देंगे जाडी को, और मीनवाइल वहाँ पे रेवेनेंट के प्लेयर्स फाइट लेते हुए नजर आए जोन के अंदर आएंगे। 6 टीमें गाइस अभी भी जिंदा है, 12 प्लेयर्स अलाइव है। अगर आप लोग अभी भी ये स्ट्रीम एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज लाइक नहीं करा तो लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब बटन दबा देना बिकॉज वी आर कमिंग लाइव ऑन द डेली बेसिस 7 बजे के आसपास। सो यस, एनकोर भी वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट पोजिशन की, बट यहाँ पे जो स्लैम इन करा है गाइस INS के प्लेयर्स ने, आई एम जस्ट लुकिंग देयर प्लेसमेंट की क्या परफेक्ट पोजिशनिंग है। अगर आप देखो जोन के सेंटर में कवर है उनके पास, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट फ्रॉम हियर। कवर जब होता है फाइनल सर्कल में तो आई थिंक बेटर आप परफॉर्म कर पाते हो और कॉन्फिडेंट होते हो बेसिकली कवर होता है तो। बट यहाँ पे निंजा ने एक और ग्रेनेड पुल करा और INS की युवा ओपी को नॉकडाउन करा, देखो बस एक ड्रोन भी देते कि किस तरीके से टीम यहाँ पे लेटी हुई है। वहाँ पे 18 और 21 का एक आखिरी ही प्लेयर मात्र बचा हुआ है, बट वो भी प्रोन डाउन होकर यहाँ पे आगे कोशिश करेगा, यहाँ से ओबे के प्लेयर जरूर स्पॉट करेंगे। टीम 18 का प्लेयर सामने से आ ही रहा है, देयर यू कैन सी थोड़ी देर में आ जाएगा। यस, डेडपूल निकल रहा नजर आ रहा है, बट मैडी को अपने आप को हील करना पड़ेगा यहाँ से। निंजा की फाइट भी इतनी आसान होने की वाली यहाँ से, बट भाई ओके, डेडपूल का ग्रेनेड आया यहाँ पे और यहाँ पे निंजा को नॉक डाउन करके जाएगा। अब एक्वा नॉक्स को थोड़ा डिले करना पड़ेगा इस वाली फाइट में, बट बहुत ही प्यारा ग्रेनेड था वहाँ पे, बट ओबे ने वहाँ से यहाँ तक ग्रेनेड फेंका है, बट एक शेक के पास फेंकते तो मेरे ख्याल से मुझे एक प्लेयर बचा था वहाँ पे, वो INS का पूरा फिनिश हो सकता था। बट रिवाइवल के बाद भी ये गेम इतनी आसान नहीं, रैम्पेज के सोनिक थोड़ा सा डिफरेंट में सोचने की कोशिश करें, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक टीम है, इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी नहीं आपके पास। बट रेवेनेंट के प्लेयर्स को भी वहां पे अपने कवर से उठा दिया है और ओबे वर्सेस यहाँ पे रेवेनेंट होता नजर आ सकता है, बट यहाँ पे सॉनिक को लॉकडाउन एंड पूरा फिनिश कर ऑस्टिन बॉटनेक्स ने, बट अब क्लोजिंग करने की बारी आ चुकी है इनकोर की बिकॉज उनको वाले शेक चाहिए एंड क्लोज इन के मामले में यहाँ पे मैडी से फाइट लेनी पड़ेगी। 12 किल रेवेनेंट के नाम, इनकोर और ऑस्टिन बॉटनेक्स दोनों के दोनों फाइनल सर्कल में अपनी जगह बेस्ट खेलते हुए नजर आ रहे हैं अभी, और 3 किल यहाँ पे इनकोर फिनिश कर चुके हैं। बट अगर शेक के अंदर देखे तो यहाँ पे बैट वगैरह सब कुछ फेंक के मैडी वेट कर रहे
कि कब ये लोग आएंगे और फाइट लेंगे। ऑस्टिन को मैं देखना चाहता हूँ कि वो प्रोन डाउन हो चुके हैं, बट सामने अभी भी TSM FTX के प्लेयर दोनों अभी भी जिंदा। गाइस कैन वी हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज प्लेयर, बिकॉज इन प्लेयर की पोजिशनिंग बहुत प्यारी, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से फटता हुआ नजर आएगा अंदर प्लेयर, नहीं थोड़ा सा बाहर गिरा, रिबाउंड हो गया, बट सामने से भी ग्रेनेड आएंगे। 1 HP जरूर कर रहा, बट ऑस्टिन बॉटक्स क्या इस वाले सिचुएशन का फायदा उठा सकता है, बिकॉज अब एक्वानॉक्स को हील करना पड़ेगा। बट एक मोलोटोव आया, थोड़ा सा लेट आया और थोड़ा सा शॉर्ट गिरा था ये वाला, बट जस्ट हैव टू लुक आउट फॉर इट। एक और ग्रेनेड यहाँ पे फेंका जाएगा निंजा ओपी के द्वारा, क्या ये वाला ग्रेनेड अंदर जाएगा, लेट्स सी। ये भी बाहर गिरा, बट ये एनकोर के लिए ग्रेनेड था, मैडी के लिए नहीं था। ऊपर से देखते हैं ऑस्टिन बॉटक्स यहाँ पे क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे, कोई यहाँ पे दूसरा कोई दोराय नहीं यहाँ पे उनके दिमाग में, यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकडाउन जरूर करा, बट यहाँ पे अब एनकोर की जरूरत जरूर उन्हें पड़ सकती है, बट यहाँ पे एनकोर को पता ही नहीं है यहाँ पे पीछे मैडी है। ओके मैडी को, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यस यहाँ पे उन्होंने एनकोर को निकाला, एनकोर को पता चला होगा बाद में, पीछे से एक प्लेयर ने मुझे